बजाज कैलिवर में करंट की समस्या है, इसमें करंट नहीं आ रहा दोस्तों। ये देख सकते हैं कावासाकी कैलिवर, तो मैं दिखा दूं इसके प्लग कैप को हटा के, इसमें करंट का इशू है। इसे किस तरीके से चेक करना है जब हमें इस तरीके से प्रॉब्लम आए बाइक में, इग्निशन को हम ऑन करके और किक को लगाएंगे। मारो, देख सकते हैं कि करंट नहीं आ रहा। इसमें ये कॉइल को लगाएगा, बोतल कॉइल को, और मैंने CDI को भी लगा के चेक किया और इसके इधर भी हमने चेक करना है। तो किस तरीके से चेक करना है, इस कपलर को हटाएंगे भी, निकालो। और इसमें देख सकते हैं कि टोटल 6 वायर है। इसमें आपका मैग्नेट का ये देख सकते हैं रेड वाले को हम चेक करेंगे। सबसे पहले लगाओ इसमें, और चेक करेंगे बॉडी में, टच करेंगे इस तरीके से। मारो, देख सकते हैं कि मैं दिखा पाऊँ आपको कैमरे में, देख सकते हैं इसमें आ रहा है, स्पार्क हो रहा है। तो इसमें लाल में आ रहा है और यही हमारा हो गया मैग्नेट कॉइल का, और ये ब्लू पे वाइट जो दिख रहा है ये चार्जिंग का हो गया फ्रेंड, लाइटिंग कॉइल का ये। और एक और मैं दिखा दूं, ये वाइट पे पीला ये हो गया आपका ये वाला, इसमें भी आपको करंट आएगा। ये ब्लू पे वाइट है, लाओ जी लगाओ इसमें। ब्लू वाट पे हम चेक करेंगे, अगर हॉर्न वगैरह नहीं बज रहा है, चार्ज बैटरी नहीं हो रहा है, तो इसमें लगा के चेक करना जरूरी है। देख सकते हैं इसमें प्रॉपर निकाल रहा है। तो ये चार्जिंग भी हमारा ठीक है, मैग्नेट का भी ठीक है। अब हम पिकअप कॉइल को किस तरीके से चेक करना है, हमें जो हम बाइक में इंडिकेटर बजर यूज करते हैं उसी को हम यूज करने वाले हैं पिकअप कॉइल के लिए। पिकअप कॉइल वाला ये देख सकते हैं कि वाइट पे रेड पट्टी है, उसी पे लगाएंगे। और ये लाल वाला वायर हमें इस तरीके से लगा के और किक को लगाना है, इसे अर्थिंग में दे देना है कहीं पे बॉडी में इस तरीके से। इसे हम जोड़ लेंगे लंबे तार से, अर्थिंग प्रॉपर उसे मिल नहीं पा रहा है, और इसे यहाँ इस तरीके से ये देख सकते हैं कि आवाज़ कर रहा है। तो सरल तरीका है कि इसे पिकअप कॉइल को अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आवाज़ कर रहा, देख सकते हैं बजर, अगर ये आवाज़ करे तो समझ लेना कि हमारा पिकअप कॉइल ठीक है। तो ये आपका ये पिकअप कॉइल का वायर चेक हो गया वायर, और ये जो हरा टाइप का दिख रहा है ये न्यूट्रल का हो गया, ये वाला पूरा हरा नहीं है, मीडियम हरा। और यही 3-4 तार इम्पोर्टेंट है, हमें यही चेक करना है। तो हमें समझना है कि ये मैग्नेट का समस्या बिल्कुल यहाँ से ठीक है, हमें कॉइल यहाँ का प्रॉपर ठीक है। अब हम इधर आएंगे, इसे लगा दिया जाएगा, लगा दो। और अब हम आएंगे इस तरफ कि यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए। तो ये रेड वाला जो दिख रहा है इसे लगा के सेम उसी तरह हमें चेक करना है जिस तरीके से हमने वहाँ किया, और किक को लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि तो मारो, अरे हिला रहा है गाड़ी को, मारो मारो।
देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से आपको देखना है कि बोतल कॉइल में जो वायर गया है कौन सा है, ये काला, तो काला यहाँ से आउटपुट निकालता है फ्रेंड, सीडीआई से, ये जो हमारा सीडीआई है यहाँ से आउटपुट निकलता है यहाँ पे, और फिर इस जगह से, तो हमें चेक करना है कि आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो आउटपुट के लिए हमें थोड़ा हाँ इस साइड में लगा के काले में, और किक को लगाएंगे यहाँ, आपको बिल्कुल करंट नहीं देखने को मिलेगा। अब हमें सीडीआई के चार वायर को कैसे समझना फ्रेंड, तो देख सकते हैं कि ये काला आउटपुट निकल रहा है इसमें, और ये मैग्नेट कॉइल से जो आ रहा है हमारा, और एक पीले में काला का जो काला कलर दिख रहा है ये अर्थिंग का हो गया, और ये काला में व्हाइट, काला में जो व्हाइट निकल आ रहा है फ्रेंड, तो ये हमारा लॉक का हो गया, ऑन ऑफ जो हम लॉक करते हैं चाबी का, इसका हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के कनेक्शन को हम हटा देंगे, इग्निशन वाला ये, तो इसे हम हटा लेंगे। अब यहाँ से इसका कनेक्शन हट चुका है, अब ये गाड़ी डायरेक्ट हो गई, तो देखेंगे कि करंट से चेक करेंगे, देखने डायरेक्ट करने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है, हमने सीडीआई को भी लगाया उसके बाद भी करंट नहीं आ रहा है, ये काले में जब जाएगा तभी हमारा करंट आएगा। तो हम इसे फिर से हटाएंगे और फिर पिकअप कॉइल को हम चेक करेंगे कि पिकअप कॉइल में हमारा करंट आ रहा है कि नहीं, उसे सेम यहाँ जिस तरीके से हमने किया था सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम इस वायर को लेंगे, और वायर पे जो रेड पट्टी है उस पर हम लगा के फिर उसी तरीके से चेक करेंगे, इसे अर्थिंग में हम लगा देंगे इस जगह पे, और इसे अर्थिंग में यहाँ जोड़ देंगे, और फिर इसको लगाएंगे। देख सकते साउंड आ रहा है, देख रहे हैं साउंड कर रहा फ्रेंड, सुन सकते हैं आप, इस तरीके से साउंड करें तो पिकअप कॉइल का भी करंट यहाँ पे आ रहा है सीडीआई में, यहाँ से आउटपुट नहीं निकल रहा। तो इसे हम वायर कहीं मिसिंग तो नहीं है उसे हम चेक करेंगे, ये वाइट वाला, वाइट वाले को भी चेक करेंगे कि यहाँ तो अर्थिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसे चेक करने के लिए यहीं से आपका चेक हो जाएगा। ये आपका पिकअप कॉइल का वायर, और ये अर्थिंग पीले पे वायर, यहीं हम जोड़ देंगे इसे, और फिर किक को लगाएंगे। देख सुन सकते हैं कि साउंड आ रहा है बजर का, अर्थिंग भी प्रॉपर ठीक है। अब ये वाइट पट्टी को चेक करेंगे, तो वाइट पट्टी को चेक करने के लिए हमें इसके कनेक्शन को यहाँ से हटाना होगा, ये लॉक वाला, ये वायर और पीला वायर अगर इस तरीके से टच होगा लॉक में, क्योंकि वायर पुराना है
इसका वायरिंग मिलता भी नहीं है जल्दी, तो पीले में वाइट अगर एक टच रहेगा तो करंट नहीं मिलेगा क्योंकि स्विच ऑफ दिखाएगा, तो इसे हटा लेना है। इसका लॉक का वायर हमें यहीं से हटा देना है, इसे हटा दिया हमने। अब हम इसको लगाएंगे और चेक करेंगे, देख सकते हैं कि अब करंट प्रॉपर निकालने लगा। तो हमें समझना है कि ये वायर कहीं से मिसिंग है, ये कहीं बॉडी में टच कर रहा है इधर, या तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक वायर लिया और इस वायर का कनेक्शन हमें हटा देना है और अलग से वायर लेके हमें इसमें जोड़ देना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें एक वायर लेके, ये देख सकते हैं कि अलग से एक हमने वायर, इसके अर्थ का दूसरा वायर हमने हटा दिया यहाँ से कट करके, ये वाला पीला में वाइट ये वाला, और एक अलग से वायर हमने जोड़ के इसके लॉक में हम लगा देंगे। एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम था मगर हमने इसे घंटों परेशान हो फ्रेंड, एक दिन हमने लगाया तभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया मैं। इसके सॉकेट को लगा के दिखा दूं, ये लग चुका है और इसके वायर को हमने यहाँ से जोड़ दिया है और इसका कनेक्शन हमने हटा दिया है, ये वायरिंग वाला, ये अलग वायर हमने एक जोड़ के इग्निशन में लिया है और खींच के लगा के चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं पूरा करंट आ रहा है, इसी तरीके से आप वायरिंग को चेक कर सकते हैं बजाज बॉक्सर के लीवर में। और ये वायर कहीं से टच होगा या शॉर्ट होगा फ्रेंड, तभी हमारा करंट नहीं आ रहा था, ना सीडीआई खराब था ना इसका बोतल कॉइल, फिर भी हमने नया लगाया है क्योंकि ये दूसरी गाड़ी का लगा हुआ था स्प्लेंडर वाला, तो ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप कैलिबर के वायरिंग को करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे और किक लगाएंगे, बाइक स्टार्ट हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं कि वायरिंग को हमने अलग से ले लिया है, ये पीले में वाइट है, इसका कनेक्शन हमने अलग से दिया है इस जगह पे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग से दिया है, इस वायर को कट करके हमने हटा दिया है ये वाला, ये इसे हटा के अलग से अगर मैं इसी वायर में जोड़ता हूँ, देख सकते हैं अभी गाड़ी बंद हो जाएगा फ्रेंड, वही लॉक में देख सकते हैं इसे हमने जोड़ा और बाइक बंद हो गया फ्रेंड। तो इसी तरीके से इसको कॉर्ड को पकड़ने में हमें दिन भर लग गए, दिन भर मत कहिए बल्कि दो दिन लग गए, तो ऐसी समस्या थी बाइक में और इसका करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें।